प्लास्टिक ढक्कन जिसे फेंकने वाला था, बना दिया 2-in-1 क्राफ्ट, कभी वॉल हैंगर तो कभी दिया होल्डर, इतना आसान कि कोई भी बना ले। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र, दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन खाना मंगाना एकदम आम बात है। प्लास्टिक कंटेनर से खाना निकाल कर ढक्कन सीधा फेंक दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं। पर अब नहीं, इन्हें इकट्ठा करें। ये वॉल पुट्टी किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से और सस्ते में मिल जाता है। पैक के पीछे देखने से पता चलता है ये काफी हद तक सुरक्षित है, जो किसी अन्य ब्रांड में नहीं मिलता। जरूरत के हिसाब से वॉल पुट्टी पाउडर में 1 या 2 चम्मच फेविकोल मिलाकर और बाकी पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ध्यान रखिए, ढक्कन के गहरे भाग पे काम करना है। पुराने चाकू, चम्मच, कलछी जो आसानी से उपलब्ध हो, इन्हीं से ढक्कन पे लेयर करें। स्मूथ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें। सभी सेट्स पे ये लेयर कंप्लीट करें। इन्हें धूप या छाया में कहीं भी सुखा सकते हैं। इन्हें अच्छे से ड्राई कर लें। ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इस स्टेज पे कहीं क्रैक्स है तो वॉल पुट्टी के पेस्ट से फिल करें, पानी से स्मूथ करें और फिर से ड्राई कर लें। ये एमसील किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। सबसे छोटा पैक 10 का मिल जाता है। इसमें से 2 पाउच निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है। 4 या 5 इंच लंबा पतला तार या फिर मजबूत रस्सी लें, क्राफ्ट को पलट लें। तार को हैंगर की तरह मोड़कर क्राफ्ट के ठीक सेंटर में रखें। एमसील से इन्हें चिपकाकर फिक्स करें। कम से कम 2 घंटे तक ड्राई होने दें, ये आसानी से हैंग हो जाएगा। जरूरत हो तो क्राफ्ट को 320 नंबर के रेगमाल यानी सैंड पेपर से फिनिश कर सकते हैं। सूखे हुए क्राफ्ट पे पेंसिल से फ्लावर का पैटर्न बना ले, ऐसा पैटर्न जो आप आसानी से बना सके। सभी सेट्स पे अपना मनपसंद पैटर्न बना लें। 4 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर, 4 चम्मच पानी, इन्हें चम्मच से इतना मिक्स करें कि पूरे वॉल पुट्टी में मॉइस्चर आ जाए। अब इन्हें हाथों से समेट कर दोनों हाथों से मैश करें, रोल करें, फोल्ड करें और फिर मैश करें। यह तरीका बार बार दोहराएं जब तक कि आपका डो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। इस प्रोसेस में अगर डो हार्ड है तो बस 2-4 बूंद पानी मिलाना है। अगर डो गीला हो जाए तो थोड़ा सा वॉल पुट्टी पाउडर मिला लें। ये डो केवल 4 घंटे ही चल पाते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। डो हार्ड हो जाए तो फिर से रोल फोल्ड कर सॉफ्ट कर लें। काम करते समय डो को गीले कपड़े से ढक कर रखें। जिस पानी से हाथ धोया है उस पानी को कभी भी किचन के सिंक या घर के ड्रेन में ना डालें। इन्हें 4 या 5 घंटे तक शांत रहने दें। ऊपर के पानी को फेंक कर नीचे के गाद को डस्टबिन में डाल दें। एक अलग से बाउल में वॉल पुट्टी, फेविकोल और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। चिपकाने का सारा काम हम इसी से करेंगे। सेंटर में गोल शेप बनाकर चिपका लें, ड्राई होने दें। अब आप सोच रहे होंगे आलू क्यों लिया है। वॉल पुट्टी डो को आलू के गोल वाले भाग पे हल्के हाथों से दबाव देते हुए दिए की तरह आकार दें। आलू ना मिले तो नींबू भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसी सब्जी जिसका आकार छोटा हो यूज कर सकते हैं। इन्हें जितने भी सेट्स बनाने हैं बनाकर ड्राई कर लें। एकदम नया और अनोखा आइडिया। अब आप फ्लावर्स की डिटेलिंग शुरू कर सकते हैं। आपने जो पैटर्न बनाया है उसी को फॉलो करते जाएं। वॉल पुट्टी से काम करते समय एक साथ 2 लेयर कभी ना करें। एक सेट पे थोड़ा सा काम करें, ड्राई होने दें, तब तक दूसरे पे काम करें।
इन्हें बनाने के लिए महंगे टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं, बस घर की पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करें, जैसे पुराना चाकू, नेल कटर, ब्रश या कोई भी ऐसी चीज़ जिनसे आपको लगता है कि क्राफ्ट का काम किया जा सकता है, इकट्ठा करें और क्राफ्ट बना लें। आपको कोई और तरीका मालूम है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। एक और ज़रूरी चीज़ वो है सब्सक्राइब बटन। बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो इस तरीके से सभी सेट्स पे ड्राइंग को फॉलो करते हुए फ्लावर की डिटेलिंग कंप्लीट करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने नकली वॉल पुट्टी, खुला वॉल पुट्टी या कोई अन्य ब्रांड का वॉल पुट्टी लिया है तो उनसे इस तरह की फिनिशिंग नहीं आ पाती और डिटेलिंग भी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग वॉल पुट्टी की जगह वाइट सीमेंट ले आते हैं। मैं बता दूं कि वाइट सीमेंट से कभी भी डो नहीं बन पाता या फिर पीओपी से कभी भी डो नहीं बन पाता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं, जेन्युइन वॉल पुट्टी लाएं ताकि आपके समय और पैसे दोनों की बचत हो। अगर आपके पास वॉल पुट्टी नहीं है तो जो क्ले आसानी से उपलब्ध हो, यानी पेपर मैशी या फिर मोल्डेड क्ले, उन्हीं से आप ये काम कर सकते हैं। या अगर आप दूसरे कंट्री में रहते हैं, वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे, वो गाइड करेंगे कि कौन सा क्ले आपके लिए सही है। अगर आपने पहले वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो पहले छोटा सा काम करें, यानी छोटा सा क्राफ्ट बना के देखें ताकि आपको पता चले कि वॉल पुट्टी क्ले का नेचर क्या है। क्ले को जानेंगे तभी आसानी से क्राफ्ट बना पाएंगे। तो फ्लावर्स बिल्कुल तैयार हैं, अब हम कलर कर सकते हैं। वॉल पुट्टी क्राफ्ट पे हमेशा एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें, नहीं है तो पोस्टर कलर या फिर ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है इसकी जानकारी अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं। एक्रेलिक कलर करते समय हमेशा दो कोट करें, एक कोट को ड्राई होने दें फिर दोबारा कोट करें, अगर ज़रूरत हो तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं। अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्निश की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैंने 6 तरह के फ्लावर्स बनाए हैं ताकि आप आसानी से चुनाव कर सकें। अगर कोई अन्य तरीका मालूम है तो आप वो भी अपना सकते हैं। आपने जो दिए बनाए थे उन्हें भी मैचिंग कलर से कलर करें। कट मिरर्स, इन्हें फेविकोल की सहायता से क्राफ्ट पे चिपका दें, अगर नहीं है तो इसे रहने दें। तो दोस्तों, प्लास्टिक ढक्कन जिसे आप फेंकने वाले थे उसी से ये 2-in-1 क्राफ्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। सेंटर में दिया रखकर या फिर कैंडल रखकर इसे दिया स्टैंड बना लें और दिया हटाकर इसे वॉल हैंगर की तरह इस्तेमाल करें। आप भी इसे बनाने की तैयारी कर लें। जब भी मौका मिले इसे बनाकर अपने घर की सुंदरता को और अधिक इन्हेंस करें। इस तरह के नए और ढेरों बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।